हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार और प्रोटेडिंग एकेडमी की मनी ग्रो एजुकेशनल वीडियो सीरीज में आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो स्टॉक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड। और आज इसको मैं इसलिए चूज किया हूं क्योंकि इसमें एक बहुत ही लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट जो है वो इसने दिया है और हाई वॉल्यूम के साथ। मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा, उसके लिए आप पूरा वीडियो को देखिए, मैं जो भी बोलता हूँ उसको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए और देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं फोर्टिस हेल्थ केयर शेयर प्राइस एनालिसिस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न का कोई गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं फोर्टिस हेल्थ केयर के टेक्निकल चार्ट में और मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लिया है। आज इसका फंडामेंटल एनालिसिस मैं नहीं करूंगा, उसका रीजन यही दोस्तों क्योंकि फोर्टिस हेल्थ केयर जो है आपको पता है कि कंट्री का मतलब इंडिया का एक बहुत ही लीडिंग हेल्थ केयर सिस्टम है या हॉस्पिटल चेन है। और जैसे आपको पता है कि करंट जो सिचुएशन चल रहा है तो उसमें हॉस्पिटल का डिमांड बहुत ज्यादा है। तो आने वाले टाइम में, आने वाला 3 महीने या 6 महीने में ये सब हॉस्पिटल्स का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ये तो सबको पता चल रहा है क्योंकि अभी तो मतलब पहले हॉस्पिटल का बेड फिर भी खाली रहता था थोड़ा बहुत, अभी तो कोई बेड खाली नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रॉफिट हॉस्पिटल्स अभी जेनरेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है जो फोर्टिस हेल्थ केयर है इसमें एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है। मैं अगर यहाँ पे सभी लाइन को ड्रॉ कर देता हूं तो आपको ये चार्ट कुछ ऐसा दिख सकता है जहां पे मैंने मेंशन किया है ये वाला ब्रेकआउट पॉइंट। और जो ब्रेकआउट पॉइंट है उसका वैल्यू है 228.65। अभी दोस्तों आपको लगेगा कि ये ब्रेकआउट पॉइंट मैंने निकाला कहां से, तो मैं चार्ट को अगर छोटा करता हूं दोस्तों तो आपको दिखेगा 2017 में दोस्तों यहां पे फोर्टिस हेल्थ केयर ने लाइफ टाइम हाई बनाया था ये पोजीशन में। और जो लाइफ टाइम हाई बना था उसका जो रेजिस्टेंस बना था वो था 228.65, जिसको इसके बाद फोर्टिस हेल्थ केयर ने कभी नहीं ब्रेक किया है। तो ये लगभग 4 साल पहले का एक रेजिस्टेंस है, 4 साल पहले का लाइफ टाइम हाई है जिसको वो 2021 में अभी ब्रेकआउट दे रहा है। और वो भी यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हो कितना ज्यादा है। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस भी किया था, आप देख सकते हो एक बार, दो बार, तीन बार, तीन तीन बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया। लेकिन लास्ट टाइम जब रेजिस्टेंस फेस किया इसमें वॉल्यूम ज्यादा नहीं था, और उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया है दोस्तों ये वॉल्यूम देखिए कितना ज्यादा ब्रेकआउट का वॉल्यूम है। तो दोस्तों, अगर कोई स्टॉक इतना ज्यादा वॉल्यूम लेके इसको ब्रेकआउट कर रहा है इसका मतलब इसका जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन होने का चांस बहुत ज्यादा है। और ये सब सिचुएशन में देखा गया है कि 90% टाइम दोस्तों ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है और लगभग 20-25% रिटर्न ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट 1 महीने के अंदर आ जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने टाइटल में जो लिखा है कि 25% रिटर्न इन 1 मंथ पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। अगर ये ठीक ठाक से ब्रेकआउट को सस्टेन करेगा तो ब्रेकआउट जो पॉइंट है इसके आसपास से हम लोग अपना पोजीशन बनाएंगे जिसका वैल्यू है 228.65। इसका थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है दोस्तों, आप 228 के जगह 230 में पोजीशन बना सकते हैं, 232 में पोजीशन बना सकते हैं या थोड़ा नीचे भी बना सकते हैं। लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि और नीचे आएगा। तो इसको जो बाई करने का जो सही जगह है वो जगह 228 से लेके अभी करंट जो मार्केट प्राइस चल रहा है 232, इसके बीच में है। लेकिन दोस्तों, अगर अनफॉर्चुनेटली ये नीचे आ जाता है तो हम लोग का जो SL रहेगा वो 182 रुपीज के नीचे रहेगा। और दोस्तों, एक चीज याद रखिए, हम लोग यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो कभी भी 182 के नीचे कोई कैंडल टच करने से SL नहीं होगा। 182 के नीचे एक डेली कैंडल को क्लोज होना पड़ेगा, उसका भी लो ब्रेक होना पड़ेगा, तभी जाके SL होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है ये SL की तरफ आएगा। और अगर ये ट्रेड अच्छा चलता है ब्रेकआउट के बाद तो हम लोग का जो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग है वो 280 रुपीज के आसपास होगा। अगर दोस्तों आप देखते हैं कि हम लोग का पोजीशन 230 में भी बनता है तो 280 तक जो है इसका 50 रुपया का डिस्टेंस होता है। और स्टॉक प्राइस कितना है,
230 रुपीज के आसपास। तो लगभग जो है 25% का रिटर्न ये पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग में ही दे सकता है, और वो भी मेरा जो अंदाजा है इतना वॉल्यूम लेके ब्रेक कर रहा है, तो 1 महीने से ज्यादा इसको टाइम लेना नहीं चाहिए। अगर ये 1 महीने से ज्यादा टाइम लेता है तो हम लोग अप टू 2 मंथ इसमें वेट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 2 महीने में भी इतना वॉल्यूम लेके भी ये ऊपर नहीं जा रहा है तो ये साइडवेज हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये साइडवेज होगा, और ये जो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का 280 का लेवल है, इसको हिट करने का जो चांस है वो लगभग 90% चांस है कि नेक्स्ट 1 महीने के या 1.5 महीने के अंदर ये 280 को हिट कर देगा, और उसके बाद भी आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद हम लोग इस पे क्या कर सकते हैं, इस पे होल्डिंग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट जोन के लिए, मतलब इसको हम लोग और भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो देखा जा रहा है जो सिचुएशन है वो अभी नेक्स्ट 1 ईयर तक भी चलेगा, और अगर यही सिचुएशन नेक्स्ट 1 ईयर भी चलता है, 1 साल भी चलता है, तो जो फोर्टिस हेल्थ केयर का जो प्रॉफिट है वो और भी बढ़ेगा, और भी बढ़ेगा, तो जो स्टॉक का प्राइस है वो भी ऊपर जाने का बहुत अच्छा चांस रहेगा। तो मुझे तो लगता है कि आने वाला टाइम में 6 साल 1 साल में तो ये बहुत ज्यादा टारगेट हम लोगों को दे सकता है, लेकिन जो 25% रिटर्न है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है उसमें भी ये 1-1.5 महीने के अंदर हम लोगों को 20-25% का रिटर्न आराम से दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में आज बहुत ही शॉर्ट में बना रहा हूँ, क्योंकि लोग मुझे ये भी रिक्वेस्ट किए हैं कि मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि इस चैनल में मैं जो भी वीडियो पोस्ट करता हूँ वो कम्प्लीटली एडुकेशनल पर्पज पोस्ट करता हूँ, तो आप ऐसा लेवल के बेसिस पे आंख बंद करके कभी भी ट्रेड ना करें। आप इसके ऊपर अपना भी एनालिसिस लगाएं, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे भी बात करें, और उसके बाद ही डिसीजन लें कि आपको ट्रेड करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो का यूट्यूब में जरूर लाइक करें, और फेसबुक ट्विटर ये सब जगह पर शेयर करें। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, अगर लाइव मार्केट में आपको कोई गाइडेंस चाहिए या आप कोई स्टॉक एनालिसिस मुझे रिक्वेस्ट करना है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर डिस्कशन बोर्ड पे आप अपना रिक्वेस्ट या क्वेश्चन डाल सकते हैं। ये एकदम फ्री सर्विस है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एडुकेशनल वीडियो में।